Now, let us see the direction of electric current. Direction जो है electric current का किधर से क्या है? तो पहले जो है जब electricity जब invent हुई थी बहुत time पहले, तो ये माना जाता था कि दो तरह के charges होते हैं, positive charges और negative charges. मगर electron जो है उस वक्त discovered नहीं हुआ था, तो electric current जो था उसको ये माना जाता था टू बी द फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, कि जिधर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस वर टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिधर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, यानी हमें पता है दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उस वक्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन उस वक्त डिस्कवर नहीं हो पाया था, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं तो इसी को जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिया गया था. तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो था, अगर मैं इस बात को लिखूं, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी या सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है थ्रू द आउटर सर्किट. ठीक है, सो इन आवर सर्किट डायग्राम अगर हम देखें, तो जिधर की तरफ एरो, मान लो ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा करंट जो है फ्लो करेगा कन्वेंशनली. ठीक है, तो जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है एक्चुअली में करंट को, इज हाउएवर फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो ऐसे फ्लो करता है, जबकि करंट जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो हमारा करंट इधर की तरफ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही है आपके बात? बस यही था. दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे ये फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में. ठीक है, तो बेसिकली जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट में जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा. तो अब बात करते हैं कि हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, कैसे फ्लो करता है. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल. ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्चुअली में करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये एक मेटल वायर है पूरा, जो रेक्टेंगुलर शेप में बना रखा है मैंने, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में, इसको मैंने दिखाया गया है. ये तब है जब बैटरी या सेल को, जब ये कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल वायर के अंदर, वो रेंडमली हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जो है ये फ्लो कर रहे होते हैं. ठीक है, ये तब की बात है जब ये कनेक्टेड नहीं होते हैं बैटरी या सेल से. ठीक है, अब जैसे ही इस मेटल वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी या सेल से, देखो कनेक्ट कर दिया है, तो ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पहले जब कनेक्टेड नहीं थे तो ये रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब जैसे ही ये कनेक्ट हुए सेल से, तो ये फौरन इन्होंने एक पर्टिकुलर रास्ता बना लिया, इन्होंने अपने आप को एक सेट कर लिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगे ये. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि हमें क्या पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर. ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें अगर हम, तो हमें पता है सेल या बैटरी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसका मतलब करंट जो है फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर. सो बट देयर मस्ट बी अ कंडक्टिंग पाथ, एक पर्टिकुलर पाथ होना चाहिए. ठीक है, जैसे लाइक वायर्स या बल्ब एक्सेट्रा, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स जो कि उससे कनेक्ट होंगे, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव कॉजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से होगी. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है? अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो सकते हैं, एक स्विच हो सकता है, जो कि कनेक्टेड होता है
सेल के दो टर्मिनल्स है अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सर्किट बनाया है मैंने जिसके अंदर बल्ब है, सेल है और की या फिर स्विच है। तो अगर स्विच हमारा ऑन कंडीशन, स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम इस वजह से कि जब हम चाहें, अगर हम चाहें, इफ़ यू वांट टू स्टॉप द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, ठीक है, वी कैन टर्न ऑफ द स्विच। तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, और ये अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में है। ठीक है, इस वजह से करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उससे पहले हमें जो है इनके सिंबल्स पता होना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स वी हैव टू शो वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जिसमें सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट्स, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच और एक इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह को हमें दिखाना होता है। तो इनके हमें सिंबल्स भी मालूम होना चाहिए। तो सो टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाई मेकिंग द एक्चुअल स्केचेस ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। सो अगर एक्चुअली बनाएं तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लगेगा। सो द साइंटिस्ट हैव डिवाइज सम सिम्बल्स फॉर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, विच आर ईजी टू ड्रॉ। जैसे कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक सिम्बल्स हैं, जैसे सेल के लिए जो है ये सिंपल सा सिंबल है सेल। इस तरीके से सारे सिंबल्स मैं बना देता हूँ। ये हमारा सेल है। बैटरी के लिए हम इस तरीके से सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिंग वायर है तो सिंपली हम स्ट्रेट लाइंस शो कर सकते हैं, और जॉइंट वायर होता है तो हम यहाँ पे जॉइंट दिखाते हैं, और कोई वायर हमारा क्रॉस कर रहा होता है तो इस तरीके से दिखाते हैं उसको कॉन्टैक्ट में, विदाउट कॉन्टैक्ट। और कोई फिक्स रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टर है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और जैसे कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेड है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सेम होते हैं, बस यहाँ एमीटर में ए होता है सर्किल के अंदर और वोल्ट मीटर में वी होता है, बाकी सब चीज़ सेम होती है। हमें अगर ओपन स्विच दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, और क्लोज्ड स्विच दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ये हमारा बल्ब का सिंबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि विच आर मेड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, जो है कंटिन्यूस फ्लो जो है इलेक्ट्रिक करंट का कैसे मिलता है। ये एक सर्किट है जिसमें हमारी 1.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में। तो इट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डेट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिटवीन देम। ठीक है, हमें पता है कि इन्हीं दो टर्मिनल के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के बीच में जो है करंट फ्लो करता है। तो सिंपलेस्ट वे जो है इसका टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जिससे कि हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल जाए करंट का, तो सिंपल क्या है, इज़ टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल और अ बैटरी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कंडक्टर है उसको हम इसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो हमें जो है कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहेगा, क्योंकि जो करंट होता है एक्चुअली में वो इसके दो पॉइंट के बीच में अगर कनेक्ट कर दें तो करंट जो है फ्लो करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ इस बात को। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के दो एंड्स से के बीच में हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें जो इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल जाए करंट को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को बैटरी या सेल के टर्मिनल के बीच में हम कंडक्टर को कनेक्ट कर दें तो हमें जो है कंटिन्यूस फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे कंडक्टर के मेंटेन रहेगा। ठीक है, सो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन जो होता है सेल के अंदर या बैटरी के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली में मेंटेन होता है बिटवीन इट्स टर्मिनल जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट को ड्राइव करता है इस सर्किट के अंदर। ठीक है,
विच द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कोई हमारे पास अ सिंगल ड्राई सेल है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट का और जिसके दो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जब भी ड्राई सेल को कनेक्ट किया जाता है टॉर्च या बल्ब से, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, कनेक्ट कर दिया है कॉपर वायर के साथ, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगेगा कॉपर वायर के अंदर बल्ब से होता हुआ। सो ड्यू टू विच बल्ब जो है, अब करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सटर्नल सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड द केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर इस 1.5 वोल्ट की बैटरी के अंदर जो एक्चुअली में केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो अब एक्सपेंड होने लगेगी, ठीक है। तो हेयर वी हैव टू नोट दैट द टॉर्च बल्ब इज यूज इन द सर्किट। तो ये एक्चुअली में ये दिखाने के लिए, ये जो है बेसिकली ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर को हमने इसके बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया है जिससे हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट द कॉमन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जिसको हम वोल्टेज कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है, इज़ अ सेल और अ बैटरी। सो इट कैन मेक द करंट इन अ सर्किट टू फ्लो।